हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लोबिनेट जीएम क्रीम के बारे में। बहुत सारी क्रीम आप दांत खाज खुजली के लिए लगाते हैं, फोड़ फुंसी के लिए लगाते हैं, तो उनमें से एक बेहतर नाम है, उनमें से एक अच्छा नाम है क्लोबिनेट जीएम। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या उपयोग होते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कितने ग्राम का ट्यूब आता है और कौन सी कंपनी इसको बनाती है। तो जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है स्विफ्ट। तो ये जो दवा है ये एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल होती है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात कर ले कहाँ कहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको दांत की समस्या होती है, जैसे अगर आपको चेहरे पर दांत की समस्या हो गई, आपको जांघों के बीचों में दांत की समस्या हो गई, उंगलियों के बीचों में दांत की समस्या हो गई, तो वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है और इसको जड़ से ठीक करने के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ से ठीक करने में ज्यादातर सफल नहीं होती हैं। इसका कारण होता है कि थोड़े दिन के लिए जब आप इसका उपयोग करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे, इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस की समस्या बैक्टीरिया में आ जाती है, फंगस में आ जाती है, जिससे वो जल्दी ठीक नहीं होते। इसलिए कई बार आपको ओरल एंटीफंगल दवाएं या एंटीबैक्टीरियल दवाएं भी साथ में दी जाती है। इसके साथ में इन क्रीम का उपयोग कराया जाता है। अब बात करें कि अगर आपको फोड़े या फुंसी हो जाए तो उसमें आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको फोड़े फुंसी की समस्या होती है तो आप वहां पर भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नियोमाइसिन सल्फेट जो एंटीबैक्टीरियल दवा है वो मिली हुई होती है। अब बात करें साइड इफेक्ट क्या होता है, तो साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इसके बेसिकली ज्यादातर देखने को नहीं मिलते, पर कुछ केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर आप इसका 2 हफ्ते ज्यादा उपयोग करते हैं या ये आपको सूट नहीं करती है, तो उस केस में आपकी जो स्किन है वो पतली होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, स्किन में एलर्जी की समस्या देखने को मिल सकती है, सूजन की समस्या देखने को मिल सकती है, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें कि इसको कब और कितना लगाना चाहिए, तो इसको आप 2 टाइम सुबह शाम लगा सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा क्रीम हाथ में लेके आप उसको लगा सकते हैं, उसके बाद हाथ को धुल लेना चाहिए। तो ये बेसिकली इसका यूजेज था और इसको लगाने का तरीका था। आप इसको 10 से 12 दिन तक लगा सकते हैं और ज्यादातर आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवा का उपयोग करें, क्योंकि इसमें एक स्टेरॉइड पाया जाता है। इस वजह से इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो दांत की समस्या है वो जल्दी ठीक तो हो जाएगी, फिर दोबारा से हो जाएगी। इसलिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दांत का प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका उपयोग करें। ज्यादा दिक्कत के लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं।